बिहार के 10 जिलों के लोगों के लिए पानी अब जीवन नहीं बल्कि एक धीमा जहर बनता जा रहा है। खेतों में उपज बढ़ाने के लिए जिस फास्फेटिक फर्टिलाइजर का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है वह अब इन्हीं इलाकों के जल स्रोतों में यूरेनियम के जहर को घोल रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। इन 10 जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से कई गुना अधिक हो गई है, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस खतरे से सबसे अधिक प्रभावित नालंदा का मगरा इलाका है, जहां पानी का हर घूंट अब मौत की ओर एक कदम बढ़ाने जैसा हो गया है। यहां यूरेनियम की मात्रा 98.647 ppb तक पहुंच चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह मात्रा 30 ppb से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोग अनजाने में जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। समस्या केवल नालंदा तक सीमित नहीं है। पूरे बिहार में जिन 10 जिलों के जल स्रोतों की जांच की गई उनमें से सभी में स्थिति खतरनाक पाई गई। जांच के लिए भागलपुर के सुंदरपुर, नालंदा के मगरा, गोपालगंज के गोपालपुर रोड और ब्याहुत किराना, कटिहार के कुर्सेला बाजार और फुलवरिया टोला, मधेपुरा के चौसा पूर्वी, उदाकिशनगंज, मुजफ्फरपुर के अंबारा तेज सिंगी, नवादा के रूपो, पूर्णिया के टीका पट्टी, सीवान के तरवारा नगर और वैशाली के अरनिया से सैंपल लिए गए थे। सभी जगह मानक से अधिक यूरेनियम की मात्रा मिली है। सहायक निदेशक दुर्गा रंजन ने बताया कि पानी की गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार पीएचईडी को है, लेकिन इसका कारण फास्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग बताया गया है, इसलिए मिट्टी की भी जांच की जाएगी ताकि मिट्टी में इसकी मात्रा का पता चल सके। जो पानी कभी जीवन का आधार हुआ करता था वह अब अपने ही लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। इस जहरीले पानी का असर न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है, जो इस धरती की विरासत बनकर इसे और भी विषैला बना देगा। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए मिट्टी और पानी की विस्तृत जांच की जा रही है, लेकिन इस धीमे जहर का असर कब और कैसे रुकेगा, यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है बल्कि यह लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा संकट है जो अनदेखा नहीं किया जा